नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। नवरात्रों की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दूसरा नवरात्रा है, ब्रह्मचारिणी जी का नवरात्रा है, तो देखा जाता है कि इन दिनों में लोगों के बीच में आस्था जो है वो बहुत उमड़ कर आती है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में लगातार लोगों का तांता जो है वो लगा रहता है, और ऐसे में सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी भक्त जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं और मन मांगी जो है मुरादे माँ से पाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रे के पहले दिन जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में संगत का सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा था। लगभग 44,500 भक्तों ने दरबार में माता रानी के आगे शीश झुकाया, माता टेक कर जो है परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की है। अब नवरात्रे हैं तो नवरात्रों के दिनों में बड़े ही ये दिन पावन माने जाते हैं, और ऐसे में हमारे भारत में देखा जाता है कि आस्था का रूप जो है नवरात्रों में बहुत देखने को नजर आता है। माँ वैष्णो देवी माता के जो है नवरात्रे वो 9 दिन तक भक्ति पूर्वक जो है भक्त जो है उसे निभाते हैं, पूजा करते हैं। कई लोग मंदिरों में सांख लगाते हैं, कई लोग घरों में सांख लगाते हैं, तो ऐसे में माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए दूर दूर से भक्त जो है माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। और कल जो है रिकॉर्ड तोड़ भक्तों ने वहां पर माता रानी के दरबार में जो है सैलाब जो है देखने को नजर आया। लगभग 44,500 के करीब जो है कल माता रानी के दरबार में भक्तों ने जो है माथा टेका है। और वहीं पंजीकरण कक्ष के अनुसार बताएं आपको तो उनका ये कहना है कि बुधवार के करीब लगभग 45,200 श्रद्धालुओं ने जो है माँ के दरबार में हाजिरी लगाई थी, क्योंकि नवरात्रों से ठीक एक दिन पहले लोगों को बहुत चाव रहता है, क्योंकि उस समय साज सजावट जो है दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और ऐसे में देश विदेशों से जो है साज सजावट के लिए फूल मंगवाए जाते हैं। तो भक्त जो है इसी साज सजावट को देखने के लिए माता के दरबार में नतमस्तक होने के लिए जाते हैं। और बुधवार की अगर बात की जाए तो पंजीकरण कक्ष के अनुसार बुधवार के करीब लगभग 45,200 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में जो है हाजिरी लगाई है। भवन पर अटका स्थल की पवित्र गुफा परिसर और अंधकुआरी मंदिर की गर्भ गुफा परिसर में सुबह शाम दिव्य आरती की गई। और आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं के को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो उनकी सुविधा के लिए 47 पंजीकरण केंद्र जो है वो उसकी सुविधा जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है, खोल दिए जाते हैं केंद्र, क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कि जब भी नवरात्रे होते हैं तो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनकी उनके लिए जो है तमाम व्यवस्थाएँ जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से की जाती है। और इस समय श्रद्धालुओं के लिए लगभग 47 पंजीकरण केंद्र जो है उसकी सुविधाएं जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गई है, और ऐसे में लोगों को किसी तरह की विपत्ति ना हो उसके लिए जो है हर सुख सुविधाएं जो है वो की जाती हैं। पहले नवरात्रे में हेलीकॉप्टर, बैटरी कार सेवा, रोपवे सेवा श्रद्धालुओं को उपलब्ध रही, और मौसम भी जो है वो काफ़ी अच्छा और सुहावना रहा है, तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की भी कोई दिक्कत का सामना जो है दरबार में करने के नज़र नहीं आया। और ऐसे में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की प्राथमिकता यही रहती है कि चाहे नवरात्रे हों या भक्त इस किसी तरह भी माता वैष्णो देवी किसी भी दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हों तो उनके लिए जो है हर तरीके की सुख सुविधा जो है वहाँ पर उपलब्ध रहे। ऐसे में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रतिबद्ध है ताकि जो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो देश से आ रहे हैं या विदेश से आ रहे हैं, उनके लिए किसी तरह भी किसी भी उनको मुसीबत का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से नवरात्रों में भीड़ जो है वो उमड़ कर आती है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए 47 पंजीकरण केंद्र जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं, और हर सुख सुविधा जो है इस समय श्रद्धालुओं को दी जा रही है। तो ये 9 दिन का पावन पर्व पूरे देश भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग व्रत रखते हैं और कुछ लोग माता के दरबार में माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी नवरात्रे आए उनमें जो है सुख सुविधा हर तरह की उन श्रद्धालुओं को प्रदान की जाए जो माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर, हम उम्मीद करते हैं
कि बाकी के जो नवरात्रे हैं उसमें भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है इसी तरह को देखने को नजर आएगा, इसी तरह का सैलाब जो है माता के आगे माथा टेकने के लिए हाजिरी लगाएगा। तो नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।